गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडी सरी कैनेडा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला चढ़दी कला ग्रुप के सहयोग नाल विशेष तौर उत्ते उपराला किया जा रहा है, जिस तहत वो शब्द जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज ने पर यूनिकोड पंजाबी फॉन्ट विच उपलब्ध नहीं, उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी के पंजाबी विभाग नाल काम करते हेल्प सेंटर के प्रोफेसर सीपी कंबोज वालों डिवेलप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपराले नाल घर घर गुरबाणी का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। इस बाबत पंजाबी यूनिवर्सिटी के उपकुलपति प्रोफेसर अरविंद ने कहा कि यह फॉन्ट गुरबाणी के प्रचार प्रसार लिए लाहेवंद साबित होंगे। इस मौके उत्ते चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी, चढ़दी कला टाइम टीवी के डायरैक्टर सरदार हरप्रीत सिंह दर्दी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सबका प्रोफेसर रजिंद्रपाल सिंह वालिया ने पंजाबी यूनिवर्सिटी के उपकुलपति प्रोफेसर अरविंद को किताबों का सैट भेंट किया। इस मौके हरप्रीत सिंह दर्दी प्रोफेसर सीपी कंबोज ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी लोगों तक पहुँचाने लिए उपराला किया जा रहा है। हाँ जी, गुरु नानक इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल स्टडीज़ सरी कैनेडा ते पंजाबी यूनिवर्सिटी विचकार एक कोलैबोरेटिव काम शुरू है, जिदे अधीन वो फॉन्ट जां वो शब्द अक्षर जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी है पर यूनिकोड पंजाबी उपलब्ध नहीं है, उन्होंने डिवेलप करने लई साडी यूनिवर्सिटी विच पंजाबी हैल्प सेंटर जो पंजाबी विभाग विच काम करता है सीपी कंबोज जी इनिशिएटिव लैणगे। यदि फंडिंग जी है ये गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ कैनेडा करेगी, तो मैं आस है कि इस काम नाल जी गुरमुखी की पढ़ाई लिखाई तो खास करके गुरबाणी नू कंप्यूटर राही लिखण के काम च बहुत सहायता मिलेगी। मैं हरप्रीत सिंह दर्दी अज माण ते खुशी महसूस कर रहा हाँ कि गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ जो कि सरदार ज्ञान सिंह संधु फाउंडर प्रेजिडेंट वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन कैनेडा दी अगवाई हेठ शुरू होया है, जिदा मुख कारज रिसर्च करके नौजवान सिख बच्चे बच्चियां नू जॉब्स अते कमर्शियल तौर पर भी उन्हां नू लाइफ विच सैटल करना है ते प्रचार प्रसार वास्ते भी काम करना है। असी इस ते नाल अदारा चढ़दी कला नाल जुड़ के असी इस प्रोजेक्ट नू स्टार्ट किया है। पूरी टीम साड़ी कैनेडा बेस्ड जड़ी हैगी है, उन्हां दा मुख कार्य यह है भी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रचार प्रसार जो बाणी है वो सारी दुनिया तक असी जरूर पहुँचाइए, तो जो रिसर्च दे काम हन जो नहीं हो पा रहे किधर किसी ना किसी बंधन करके उन्होंने अगे वधाइए, तो ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला क्योंकि वर्ल्ड की ये दूसरी लैंग्वेज बेस यूनिवर्सिटी है, तो इन्होंने पंजाबी भाषा नू अगे वधाउण लई बहुत रिसर्च का काम किया है। उन्होंने नाल अज एसोसीएशन हुई है कि गुरबाणी दे रिसर्च प्रोजेक्ट दे विच जो गुरमुखी लिपि है अते जड़े फॉन्ट्स वगैरह हैं वो नवें डिवेलप करके जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जड़े अखर लगा मात्रा जड़े हुण दे फॉन्ट्स विच नहीं मिलते उन्हां नू डिवेलप करके सारी लोकाई तक उन्हां नू पहुँचाया जाए। एक हंबल स्टार्ट है, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी गुरबाणी दे विच पंजाबी गुरमुखी नू प्रमोट करन दे विच बहुत काम कर रही है, तो सानू अज माण महसूस हो रहा है। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ दी एक हंबल स्टार्ट रल के हुई है इस रिसर्च प्रोजेक्ट नू अगे वधाउण दे विच अते नौजवानों वास्ते नवें स्फीयर्स ने कारज करन लई काम करन लई ओ खोलन लई उन्हां नू अपने करियर डिवेलप करन लई उन्हां नू इस पासे प्रेरित करन लई नाल जोड़न लई अज एक हंबल स्टार्ट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला अते श्री गुरु नानक इंस्टीट्यूट सरी दे नाल रल के असीं कर रहे हां। ये बड़ा खुशी दा समा है कि पंजाबी भाषा की जो आप गल करते हैं ज किसी भी खेतरी जबान की गल करते हैं फाउंट एक सब तो पहली जरूरत है और पंजाबी दे विच ये बहुत वड्डी एक रुकावट है। रुकावट इस करके कि इवन दैट 1991 दे विच यूनिकोड फाउंट बन गया, बहुत सारे महकमिया ने फाउंट बनाए ने, गूगल दे बहुत सुंदर फाउंट ने, माइक्रोसॉफ्ट दे ने, जनमेजा जोहल जी उन्होंने बहुत सोहने फाउंट बनाए ने, पंजाबी फाउंटा के पितामा डॉक्टर कुलवीर सिंह थिंद होरां दे बहुत सारे फाउंट ने, पर कुछ जिहड़ियां कमियां जिहड़ियां नोट कीतियां ने सिख जगत नाल जुड़े जिहड़े साहित्यकार ने जिहड़े खोजकार ने, वह कमियां किदां दियां ने कि यूनिकोड दो लगा मात्रावां नूं जिवें वह स्वीकार नहीं करता,
बहुत सारे जिहड़े चिन्ह ने गुरबाणी दे और संगीत नाल संबंधित वो यूनिकोड फाउंटां दे विच है ही नहीं। सो उन्हां चीज़ां नू पूरा करन दे लई और होर खूबसूरत फाउंट बनाउण दे लई होर गिणती वधाउण दे लई सानूं फाउंटां दी लोड़ है, क्योंकि यूनिकोड दे विच तां जिन्ने भी भावें सैकड़े लखां हज़ारां हो जाण फाउंट उन्ने ही थोड़े ने। सो ये हुण गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ कनेडा उन्होंने सहयोग के नाल उन्होंने वित्तीय सहयोग के नाल एक प्रोजैक्ट मिले तो मैं ये कोशिश करांगा अपनी टीम के सहयोग नाल कि इन यूनिकोड फाउंटां नू किस तरह गुरबाणी के समर्थ बनाना, जिन्या को कोशिश असी फाउंट एक तरह का जो टाइपोग्राफर है फाउंट डिवेलपर है वो कर सकता है खोज के एंगल तो वह करेगा, पर कुछ चीज़ा जड़िया यूनिकोड कंसोर्टियम के पक्ष तो होनगियां उन्हां तो ठीक करवाने वाली होनगियां असी उन्हां उहदे लई जिहड़े मंग पत्र भेजांगे। सो उम्मीद है कि यह प्रोजैक्ट पूर्ण होने दे नाल बहुत सारा फायदा होएगा, जिहड़े लोग मॉडर्न पंजाबी जिहड़ी है वह लिखते ने उन्होंने भी फायदा होएगा और ये नाल नाल गुरबाणी के काम करने वाले लोगों बहुत वड्डी राहत मिली। सर कितना टाइम लगेगा तो कितना प्रोजेक्ट कितने को पैसे इतने खर्च होंगे? ये 7 महीने का प्रोजेक्ट है तो तकरीबन 3,20,000 रुपया ये खर्च आएगा, जिहड़ी कि वित्तीय मदद इस NGO ने कनेडा ने यह दिती है। तो उहदे नाल सानू खुशी ये है कि वाइस चांसलर साहब की अगवाई दे हेठ एक साडा रिसर्च सेंटर एक छोटी लैब तैयार हो जाएगी, सॉफ्टवेयर असी खरीदांगे। तो यह बहुत लंबे समय चलन वाला एक खोज कार्य है, ये नहीं कि 3-4 फाउंट बनाए तो काम खत्म हो गया, लगातार खूबसूरत फाउंटां की लोड़ हमेशा रही है। हालांकि गूगल माइक्रोसॉफ्ट सब अदारियां ने अपनी अपनी कोशिशां कीतियां पर एक खोज के एंगल तो किस तरह उसकी दिखावट हो, मसलन पैर दे विच बिंदी वो खब्बे होवे सज्जे होवे वो सारिया कई थावां ते दिक्कतां सीगियां उन्हां सब नूं ठीक करन दी कोशिश कीती जा रही। जिवें इशू भी क्रिएट हो जांदे सी पंजाबी दे शब्दां नूं लै के खास तौर ते, लगदा वी तुसीं हुण जिहड़ियां त्रुटियां रहि गईयां ने किताबां जिहड़ियां आपां गल करिए दूर होणगीयां इस दे नाल? नहीं, वो जिहड़े इशू ने वो होर किस्म दे ने, क्योंकि किताबां ज़्यादातर अजे यूनिकोड च छाप ही नहीं रही, वो नॉन यूनिकोड क्योंकि बहुत खूबसूरत फाउंट ने, सतलुज फाउंट है रणजीत फाउंट है उन्होंने छपदियाँ ने, तो असी यहोजे फाउंट बना देंगे कि जिहड़े पबलिशर्स ने उन्होंने जाके नुमाइश करांगे उन्होंने दिखावांगे कि वो पुराने फाउंट छड्ड के हुण ये साढ़े यूनिकोड फाउंटां दे किताबां छापण, तो मैनूं पूरी उम्मीद है कि किताबां इन्हां सोहणे फाउंटां दे विच